हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सतीश धाई फुले जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे 1954 के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। विक्टर क्योशेल्टा, आई थिंक इसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे, रोमानियन चेस मास्टर थे वर्सेस रशीद नजमुद्दीनोव। फ्रेंड्स, बहुत गजब की गेम है। नाइट मैन्यूवर किसे कहते हैं, यहाँ इस गेम में देखते हैं। e4 के साथ यहाँ विक्टर ने शुरू किया, राशिद ने यहाँ खेला e5, नाइट f3, नाइट c6, बिशप c4, इटालियन गेम, नाइट f6, नाइट g5, फ्राइड लिवर अटैक शुरू हुआ, देन d5 ऑब्वियस डिफेंस है, 8xd5 नाइट पर अटैक, नाइट पहुंच गया e5 स्क्वायर पर इस बिशप पर अटैक बनाने के लिए, तो बिशप से चेक आई, c6, dxc6, bxc6, वापस बिशप पर अटैक बना तो बिशप पहुंच गया e2 स्क्वायर पर, देन हुआ h6 नाइट, सारा जो अटैक लगा था वो एक एक मूव करके पीछे जा रहा है, नाइट गया f3 स्क्वायर पर, ये थोड़ी वीकनेस हो जाती है, क्यों, क्योंकि e4 नाइट पर दोबारा अटैक बना, ये नाइट गया e5 स्क्वायर पर, सॉरी, लेकिन क्वीन के c7 स्क्वायर पर जाने के बाद वाइट पे इस नाइट पर फिर दोबारा अटैक बना। अब मैं जरा बात करता हूँ डेवलपमेंट की। आप यहाँ वाइट के पीसेस को देखिए, ऑलमोस्ट सेकेंड रैंक से आगे सिवाय इस नाइट के कोई भी नहीं है, और नाइट भी खतरे में है, नाइट पहुंच गया वापस g4 स्क्वायर पर, गेम का 11वां मूव है और सिर्फ दो ही पीसेस वाइट के द्वारा बार बार हिलाए जा रहे हैं। ब्लैक की डेवलपमेंट भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनफैक्ट अपने बिशप्स को डेवलप करने में। बिशप टेक्स g4, बिशप टेक्स g4, बिशप c5, डेवलपमेंट इज कम्प्लीट फ्रॉम ब्लैक, बस उसे अब यहाँ कैसल करना है। बिशप आया e2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक d8, यहाँ तक पोजीशन बिल्कुल इक्वल कही जा सकती है, देन c3, तो नाइट b5 स्क्वायर पर, बिशप पर डिफेंस हो गया, कैसल यहाँ वाइट ने किया, देन हुआ h5 d4 e takes d3 एंड पेसेंट बिशप टेक्स डी थ्री, और बिशप टेक्स डी थ्री होने के बाद ये g4 स्क्वायर जरूर मिल चुका है ब्लैक को। वही काम यहाँ राशिद ने किया, अपने नाइट को g4 स्क्वायर पर प्लेस करके सीधा चेकमेट की थ्रेट दी। डिफेंस सिंपल है, g-pawn को आगे पुश कर दो, लेकिन उससे पहले एक चेक दी यहाँ पर विक्टर ने अपनी क्वीन से, ताकि ब्लैक कैसल ना कर पाए। किंग गया f8 स्क्वायर पर, देन g3, उसके बाद डिफेंस हो गया। क्वीन d7 अटैकिंग दैट लाइट स्क्वायर्ड बिशप फ्रॉम व्हाइट, बिशप गया e4 स्क्वायर पर, देन हुआ h4, और कम से कम मैं कह सकता हूँ कि यहाँ ब्लैक का अटैक काफ़ी स्ट्रांगली लगता हुआ चल रहा है। इस पॉइंट पर आई थिंक बिशप g5 बेटर ऑप्शन थी, यहाँ रुक पर भी अटैक बनता और पॉन को भी लेने की पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप f4, ओके नाइट टेक्स h2, और फ्रेंड्स नाइट टेक्स h2, यहाँ राशिद की कॉम्प्लिकेटेड गेम शुरू हो चुकी है। किंग टेक्स h2 का सीधा सा मतलब है h takes g3 चेक, इनफैक्ट डबल चेक, यहाँ किंग और पॉन दोनों से चेक आई है। किंग टेक्स पॉन का मतलब है इनविटेशन यहाँ ब्लैक की क्वीन को चेकमेट करने के लिए, तो किंग को g1 या g2 स्क्वायर पर ही जाना होगा, उसके बाद होगा क्वीन h3, और क्वीन के h3 स्क्वायर पर आने के बाद इस चेकमेट को कैसे रोका जा सकता है, सिर्फ रुक को बाहर निकाल कर, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। g takes f2 चेक, और यहाँ पर वाइट को आई थिंक क्वीन ही गंवानी पड़ेगी इस चेकमेट से बचने के लिए। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर, यहाँ व्हाइट ने रुक को e1 स्क्वायर पर लिया। फ्रेंड्स, ये मूव भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है, बेटर ऑप्शन यहाँ होती जी पॉन को आगे पुश करने की, पेनिट्रेशन या कोई ओपन स्पेस यहाँ ब्लैक को दे ही ना वाइट तो बेटर होता, नाइट टेक्स f1 ही करना पड़ता, एक्सचेंज सैक्रिफाइस से बात बन सकती थी किंग टेक्स f1, और गेम थोड़ा लंबा खींच सकती थी, लेकिन रुक के e1 स्क्वायर पर जाने के बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ गई जैसे ही ब्लैक ने अपने नाइट को g4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और यहाँ इस f2 पॉन पर अटैक बना। शायद विक्टर अपनी कॉन्सेंट्रेशन लूज कर चुके थे, उन्हें यहाँ अपने रुक को वापस f1 स्क्वायर पर ही लाना चाहिए था, उसके बाद फर्दर ये गेम आगे बढ़ती, लेकिन बिशप को f3 स्क्वायर पर ले जाने के बाद नाइट पर अटैक तो बनता है, लेकिन ये नाइट g4 स्क्वायर पर रुकेगा ही क्यों, जब उसे यहाँ डिस्कवर्ड चेक देने का मौका मिलेगा आने वाले समय में। नाइट टेक्स f2, बिशप गया e3 स्क्वायर पर, h takes g3 नाइट पर अपने डिफेंस किया, बिशप टेक्स c5 विद चेक, नाइट टेक्स c5 मैटर एक्सचेंज इक्वल रहा, बिशप टेक्स c6, और यहाँ पर क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश है, सिंपली बिकॉज यहाँ अगर क्वीन टेक्स c6 ब्लैक करेगा तो जितनी मेहनत की है वो सारी खराब हो जाती है। क्वीन e7 चेक होगा, किंग को g8 स्क्वायर पर जाना होगा, क्वीन टेक्स d8 चेक, किंग h7, क्वीन h4 चेक, किंग g8, क्वीन d8 चेक, h7, क्वीन h4 चेक, और चेस की बेसिक स्ट्रेटेजी अगर आप गेम को हार रहे हैं तो ड्रॉ करा दीजिए, वो भी जीत के बराबर है, और हारी हुई बाजी को यहाँ विक्टर ड्रॉ करा सकते थे, लेकिन राशिद इत्तेनाम से इस ट्रैप में नहीं फंसने वाले। उन्होंने किया नाइट h3 चेक, पहले अपने नाइट को बाहर निकाला, किंग गया f1 स्क्वायर पर, क्वीन से चेक आई f5 स्क्वायर पर,
और फ्रेंड्स इस क्विन की चेक के बाद कैन यू बिलीव कि विक्टर ने यहाँ रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, अब इस चेकमेट से बचने का तरीका क्या बनता है? पहला, किंग को जी2 स्क्वायर पर ले जाना, मतलब नाइट f4 चेक, वॉकिंग किंग एंड क्विन, गेम रिजाइन करनी ही पड़ेगी फिर दोबारा। और अगर क्विन बीच में लगी f3 स्क्वायर पर या बिशप f3 स्क्वायर पर लगा तो उसके बाद होगा g2 विद चेक, किंग टेक्स g2 करना ही पड़ेगा। देन क्विन g6 चेक, क्यों एक्सचेंज करने लगा यहाँ पर ब्लैक अपनी क्विन को? यहाँ पर विक्टर अगर क्विन g3 करते हैं तो उसके बाद क्विन टेक्स c6, बिशप यहाँ गंवाना पड़ेगा, वो भी एक चेक के साथ। तो किंग को f1 स्क्वायर पर ही लेकर जाना पड़ेगा। देन क्विन की एंट्री बिल्कुल वाइट के घर में हो चुकी होगी। क्विन g1 चेक, किंग जाएगा e2 स्क्वायर पर, वैसे रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा हुआ है। क्विन h2 चेक होगा, किंग को f1 स्क्वायर पर आना पड़ेगा। देन रुक h4 और अगले मूव में यहाँ क्विन को ट्रैप करने की तैयारी। सारा सीक्वेंस्ड फोर्स्ड है, वाइट कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्विन g2 जैसा कोई मूव चलना पड़ेगा। देन रुक f4 चेक आएगा ही आएगा, बिशप बीच में लग भी गया। देन रुक टेक्स f3 चेक, क्विन टेक्स f3 होने के बाद नाइट e4, और फ्रेंड्स नाइट के e4 स्क्वायर पर आने के बाद जो ये अगले वाली चेकमेट है, इसको किस तरह से बचाया जा सकता है? रुक टेक्स e4 का मतलब रुक की एंट्री, वो भी एक चेक के साथ। रुक e1 स्क्वायर पर लग भी गया, देन रुक क्विन से चेक आएगी, किंग भागने की कोशिश करेगा लेकिन क्विन टेक्स e1 चेक और वो मेट होगी। फ्रेंड्स कोई भी ऐसा वेरिएशन यहाँ इस पॉइंट पर नहीं बचा है जो चेकमेट तक ना पहुँचता हो। अगर क्विन बीच में g2 स्क्वायर पर पहुंची, देन नाइट g3 चेक, और फिर दोबारा यहाँ इस नाइट के बदले में अपनी क्विन देनी होगी अगर गेम को थोड़ा भी लंबा खींचना है। फ्रेंड्स बहुत गजब, जिसे कहते हैं मैड नाइट, बिल्कुल सही टाइटल है इस गेम के लिए। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेसगन को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।